भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला के समीप स्थित बगीचे में करीब 25 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान बेबी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने पति असलम के साथ दिल्ली में रहती थी, जबकि बीते 25 जुलाई को वह अपने भाई के घर आई हुई थी और रविवार को वह वापस दिल्ली जाने वाली थी। बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पूर्व बेबी अपने भाई के घर से नंदोसी सिराज के साथ टिकट और बकाया पैसा लेने नंदोसी के घर गई हुई थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं आई। वहीं मृतक महिला के वापस घर नहीं लौटने पर घर वालों को लगा कि वह नंदोसी के यहाँ ठहर गई होगी, लेकिन सुबह होने पर उसका शव बरामद होने की सूचना मिली। इधर मृतका के भाई ने अपनी बहन की हत्या उसके नंदोसी के द्वारा कराए जाने की आशंका जताई है। वहीं हबीबपुर पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर जो है किसी के पास उसका नंदोसी है कम से उसके पास पैसा बाकी था तो बोला था कि टिकट उकट निकाल के हम देंगे तत्काल में, तो कल टिकट देने वाला था तो हम जो है दुकान चले आए। फिर जो है ये लोग रात में हम पूछे थे इससे कि टिकट हो गया, तो इसने सुबह निकाल के देगा ये लोग टिकट समझर बोला है। उसके बाद जो है हम चले आए दुकान, तो इसके बाद हम सोचे कि बच्चा लोग आज जा रहा तो कपड़ा लत्ता बना देंगे। दुकान आए डाटबाड़ में, मेरा दुकान है वहाँ खोले ना दुकान। उसके बाद हमें 12 बजे यहाँ से दुकान से घर गए, ठीक है घर गए। वहाँ पूछे कि आप बेबी कहाँ, तो मेरे घर से बोली इसकी बेबी उधरे गई है बाजी के यहाँ होगी। यहाँ आए तो आफिया उसकी बेटी लोग थी, हम बोला आफिया मम्मी रे, तो क्या बोला कि फूफा फोन किया था तो फूफा के पास गई है टिकट लाने। कितना पैसा बाकी था उनका ये नहीं पता सर, कितना पैसा बाकी था उसी को पता है। क्या चीज का पैसा बाकी था वो दिया होगा और दिया था उसको। अच्छा, और उसका नंदोसी है। क्या लगता भाई मारा है? कुछ दिक्कत भी है और उसी पे क्या लगता भाई मारा है? वही मारा, 100% वही मारा है। घर कुर्बान है जो महिला है, महिला दिल्ली में रहती है। दिल्ली में क्या नाम क्या है? दिल्ली से कब आई थी? मेरे पास रह रही है, यहाँ से घूमने आई थी। दिल्ली से कब आई थी यहाँ? दिल्ली से 25 तारीख को आई थी। 25 को आई थी, 25 जुलाई को। हाँ 25। भागलपुर आदमपुर स्थित दीपप्रभा सिनेमा हॉल में अभिनेता सन्नी देओल की चर्चित फिल्म गदर 2 प्रशंसकों के बीच जमकर गदर मचा रही है। अत्यधिक भीड़ के कारण टिकट लेने में दो पक्षों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जोकसर ओपी पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक पक्ष के समर्थकों ने आक्रोशित होकर पुलिस जीप पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस जीप में बैठे दो युवकों को भीड़ ने उन्हें सौंपने की बात कही, लेकिन उत्तेजित भीड़ और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस दोनों युवकों को लेकर वहां से भाग खड़ी हुई, जबकि इसके बाद भी भीड़ द्वारा पुलिस जीप का पीछा कर गाड़ी पर हमला किया गया। बता दें कि पुलिस जीप पर 3 महिला कांस्टेबल के अलावा एक अधिकारी मौजूद थे, जबकि प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि गदर 2 फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच काफी उत्साह है और ऐसे में हंगामा की आशंका पहले से ही थी, लेकिन इसको लेकर पुलिस के एक अधिकारी के साथ 3 महिला सिपाहियों को भीड़भाड़ वाले माहौल में छोड़ दिया गया, जो प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बताया जा रहा है कि मामला टिकट को ब्लैक करने से जुड़ा था, जिसको लेकर दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव को लेकर रविवार को भागलपुर के जिला स्कूल परिसर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, विपक्षी विधायक ललन कुमार और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता रोहित पांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने किया। तिरंगा यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा लिए भारत माता का प्रतिरूप बनी युक्ति के साथ वहाँ मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्य शहरवासी सेल्फी और फोटोग्राफी कराई, जबकि इस दौरान तिरंगा और माँ भारती के सम्मान में देशभक्ति नारे और गीतों से पूरा जिला स्कूल परिसर और आसपास का इलाका गूंजता रहा। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा का ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के जश्न को लेकर अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर घर तिरंगा लगाने और अलग अलग संगठनों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकालने की परंपरा शुरू की गई है। वहीं तिरंगा यात्रा में देवाधिदेव शिवशंकर, देश की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंपानगर स्थित माँ मनसा का रूप विषहरी माता, बाला लखेंद्र और सती बिहला,
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सिल्क सिटी की पहचान बुनकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विशाल तिरंगा लेकर युवा और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा हाथों में तिरंगा लिए हर आम खास पुरुष महिला युवक युवती एवं छोटे छोटे बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और भारत माता और तिरंगा के सम्मान में नारा लगाया। वहीं देश पर्व के कारण तिरंगा लेकर भारत माता बनी युवती ने भी तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया और भाजपा नेताओं, बुद्धिजीवियों एवं आम लोगों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर तिरंगा यात्रा का लोगों द्वारा स्वागत कर पुष्प वर्षा की गई, जबकि सभी ने देश एवं तिरंगे के सम्मान में जय घोष किया और भारत की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। बता दें कि तिरंगा यात्रा जिला स्कूल से निकलकर खरमनचक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, पडलबाबू रोड और घंटाघर होकर पुनः जिला स्कूल परिसर में संपन्न हुई। मौके पर भाजपा के सभी प्रकोष्ठ के नेता, कार्यकर्ता समेत युवा और आम शहरी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य हर भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव, तिरंगा यात्रा और 75 वर्ष पूरे होने पर लगातार प्रत्येक वर्ष निकल रहा है और हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है वह चल रहा है। साथ ही 9 अगस्त से जो अगस्त क्रांति का सूत्रपात हुआ था और 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है। हम सभी वीरों की मिट्टी, जो ऐसे शहीद हैं, सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम में लगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के व्यक्ति हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके घरों पर जाकर और अमृत कलश में मिट्टी ले रहे हैं। वह अभियान चल रहा है और वह अमृत कलश की मिट्टी 27, 28, 29 को युवा मोर्चा के साथी लेकर यहां से जाएंगे और दिल्ली में अमृत वन का निर्माण होगा, जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर 7500 जो ब्लॉक हैं उस ब्लॉक की मिट्टी को वहां रखेंगे और वह सभी इतिहास का क्षण होगा और पूरा देश गौरवान्वित होगा कि हमारी मिट्टी से वो अमृत वन बना है। और यह अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा आज जिला स्कूल से निकलकर और विभिन्न जो हमारे मंच मोर्चा प्रकोष्ठ हैं वह उनकी बड़ी सहभागिता है और पहले आप देखेंगे पहली झांकी जो है वह रथ पर आरूढ़ होंगी। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभु कुमार सुमन ने रविवार को भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर अमर शहीद तिलका मांझी की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु समेत कई गणमान्य लोगों ने भी शहीद तिलका मांझी को नमन किया। वहीं इससे पूर्व परिसदन से तिलका मांझी प्रतिमा तक आदिवासी छात्राओं द्वारा आदिवासी गीत संगीत कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद प्रतिमा स्थल पर फीता
पत्तियां काटकर विधिवत उद्घाटन और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान गाया गया। 1989 दंगे के बाद भागलपुर में लगातार सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से शहर में छिटपुट घटनाएं हो रही है और सामाजिक तत्वों द्वारा पर्व त्योहार में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में एकता का परिचय देते हुए आज पुलिस पब्लिक समन्वय समिति की ओर से शांति एवं सद्भावना मार्च निकाला गया। यह रैली नाथनगर के नरगा चौक से निकलकर चंपानगर होते हुए सुभाष चंद्र बोस चौक तक पहुंची, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। शांति और अमन का वातावरण बनाए रखने के लिए लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर अनेकता में एकता का परिचय देते हुए दिखे। सद्भावना रैली में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा और पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के अध्यक्ष इब्रार अंसारी के साथ साथ कई थानों के थाना अध्यक्ष व पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये पुलिस पब्लिक समन्वय समिति नाथनगर की तरफ से बहुत ही सुंदर और सकारात्मक पहल किया गया है। नरगा चौक से हम सभी समुदाय के लोग एक साथ निकल के पूरे नाथनगर और चंपानगर से होते हुए यहाँ तक आए हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम लोग भागलपुर की जनता, नाथनगर की जनता के अंदर में यह विश्वास पैदा कर सकें कि हम लोगों के बीच अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर असंतोष फैलाने की बात करेगा, हम लोगों के बीच आपस में लड़ाई लगवाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भागलपुर की जनता हमेशा इस बात के लिए जानी गई है कि भागलपुर में कभी भी अगर ऐसा कोई भी वातावरण पैदा होता है तो उसमें हम सभी समुदाय के लोग एक साथ खड़े होकर के इसे दूर करते हैं। अभी चंद रोजों से जो भागलपुर के हालात को बिगाड़ने की जो एक कोशिश हो रही है, उसी के उन गलत मंशा के लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ये पुलिस पब्लिक समन्वय समिति की तरफ से सद्भावना और शांति मार्च का आयोजन किया गया है। अच्छा, ये शांति मार्च आपको नरगा चौक से चल करके नाथ चंपानगर मदनी चौक होते हुए आपके ये प्रभाग सुभाष चंद्र बोस के आपके मूर्ति तक आई है। असल इस के माध्यम से समाज को प्लस और सामाजिक तत्वों को ये संदेश देना है कि हिंदुस्तान सबों का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और ये देश तभी तरक्की करेगा जब हम तमाम भाई आपस में मिलजुल कर रहेंगे। 22वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में भागलपुर जिले के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 पदक हासिल किया है। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हुए 22वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में भागलपुर वुशु संघ के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। पदक जीतने वालों में अर्पिता दास ने अलग अलग इवेंट में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक हासिल किया, जबकि कृतिका आनंद ने अलग अलग इवेंट में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता। इसके अलावा जिया कुमारी ने 1 कांस्य पदक जीता, जबकि ऋषभ राज ने अलग अलग इवेंट में 2 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। वहीं भागलपुर वुशु टीम की इस सफलता पर संघ के महासचिव राजेश कुमार शाह ने कहा कि पदक हासिल करने वालों में 3 खिलाड़ी कारमेल स्कूल से है, जबकि 1 खिलाड़ी सेंट ट्रेसा स्कूल का छात्र है। उन्होंने कहा कि पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में 22वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 11 अगस्त तक हुआ, जिसमें भागलपुर जिले के खिलाड़ियों ने अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन मेडल जीतकर भागलपुर का नाम रोशन किया। राजेश शाह ने बताया कि झिपटिया मार्शल आर्ट्स क्लब के आलोक राज ने भी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि इन सभी खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतने पर कारमेल स्कूल और सेंट ट्रेसा स्कूल प्रबंधन के अलावा संघ के पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। 22वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता जो पटना में आयोजित हुई 6 से 11 अगस्त 2023 तक, उसमें भागलपुर से 5 खिलाड़ी भाग लिए। 3 खिलाड़ी कारमेल स्कूल से थे, 1 सेंट ट्रेसा स्कूल के और 1 झिपटिया मार्शल आर्ट क्लब के आलोक राज थे। कारमेल स्कूल से 3 खिलाड़ी अर्पिता दास को 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ, कृतिका आनंद को 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ, जिया कुमारी को 1 ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ और ऋषभ राज को 2 ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और पहली बार कारमेल भागलपुर जिला को एक साथ इतना अच्छा प्रदर्शन का रिजल्ट हुआ और काफ़ी खुश हैं हम लोग इसमें सारे लोग कि इतना अच्छा रिजल्ट हुआ और उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा प्रदर्शन होगा।